हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज पंखे की एक नई प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फिर से आप सभी का एक बार टेक्निकल सभाजित यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ये फैन है और इस फैन के सभी वायर कनेक्ट हुए हैं। हम दिखाते हैं कि इसमें पावर सप्लाई देने पर क्या होता है। तो सबसे पहले इसके दोनों वायर को हम कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये पहला वायर कनेक्ट हो रहा है। इसी प्रकार हम दूसरे वायर को फिर कनेक्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, दूसरा वायर भी कनेक्ट हो गया है। अब हम इसमें पावर सप्लाई दे करके देख लेते हैं कि फैन का क्या स्टेटस है। तो फैन को एक पेचकस के माध्यम से थोड़ा सा उठा लेना है और फैन भी देखिए बिल्कुल फ्री है, कहीं कोई जाम भी नहीं है। और देखिए, फैन को हम पहले सीरीज कनेक्शन में लगा करके देख लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, सीरीज में लगाने पर करंट तो बता रहा है, और अभी आपको दिखाते हैं बल्ब भी जल रहा है, लेकिन ये फैन चल नहीं रहा है। ये देखिए दोस्तों, सीरीज में बल्ब बता रहा है और फैन को हाथ से घुमाने पर देखिए धीरे धीरे ये घूमने लग गया है। और इसको एक बार हम फिर से रोक करके दिखाते हैं। रोकने से ये रुक जा रहा है और छोड़ देने से फिर ये चल नहीं रहा है। दोबारा फिर से हम जब इसको हाथ से घुमा रहे हैं तो ये घूमने लग रहा है। अब हम इसको डायरेक्ट सप्लाई भी दे करके देख लेंगे। जैसा कि देखिए, हमने ट्यूबलेस स्विच के माध्यम से इसको डायरेक्ट कर दिया है, फिर भी उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो कहीं कहीं इस पंखे में कुछ प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है वीडियो, लेकिन क्योंकि पूरा फैन को खोल करके और स्टेटर को बाहर निकालना है तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आप सभी को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े और जल्दी से जल्दी ही प्रॉब्लम समझ में आ जाए। तो इसके लिए सारे वायर को पहले डिसकनेक्ट कर लेना है, और डिसकनेक्ट करने के बाद में हम कंडेंसर को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद में सीरीज के माध्यम से हम इसके वायर को स्टेटर के जो स्टार्टिंग कॉइल है और रनिंग कॉइल है, उन दोनों कॉइलों को चेक करेंगे। तो जो देखिए, इसमें लाल वायर है, ये हमारा कॉमन वायर है, और जो येलो वायर है वो हमारा स्टार्टिंग कॉइल की है, और जो ब्लैक वायर है वो रनिंग कॉइल की वायर है। देखिए कि ये सीरीज में ब्लैक वायर से ये तो जल रहा है और येलो वायर में करंट नहीं शो कर रहा है, बल्ब हमारा नहीं जल रहा है और बॉडी में भी कोई अर्थ नहीं है। तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं हमारे स्टार्टिंग कॉइल में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फ़ैन को पूरा खोलना है और इसके कवर को खोल करके अलग करते हैं, फिर स्टेटर में देखते हैं कि कहां पर क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए इसके तीनों स्क्रू को खोल करके फिर कवर को हम अलग करेंगे। उसके पहले हमें एक कवर में मार्क लगा लेना है कि वापस कवर को फिक्स करते समय या कसते समय कवर कहीं आपस में चेंज ना हो, उसका मिसप्लेस ना हो, आपस में एक ही जगह पर रहे। इससे पंखे में कहीं कोई बाद में प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इसलिए मार्क लगा लेना ज़रूरी है। फिर हम तीनों स्क्रू को खोल लेते हैं। देखिए, एक स्क्रू खुल गया है, दूसरा भी खुल रहा है।
तो जल्दी जल्दी खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसके तीनों स्क्रू खुल गए हैं। अब पंखे को हमें खड़ा करके हल्का सा चोट देना है, और इस प्रकार ये कवर देखिए, अभी बैक कवर निकल गया है। अब हम इसके बाद फिर रिंग को निकाल लेते हैं। रिंग निकालने के बाद फिर स्टेटर को बाहर निकालते हैं बिना रिंग। कभी कभी रिंग बहुत ज़्यादा जाम होती है, तो ज़रूरी नहीं कि रिंग निकाले तभी स्टेटर हमारा बाहर आएगा। बिना रिंग निकाले ही स्टेटर बाहर आ सकता है, लेकिन इसका बहुत ही इजीली तरीके से रिंग बाहर आ गई है, तो हमने बाहर निकाल दिया है। और इधर स्टेटर के ऊपर से हल्का सा चोट देने पर बाहर आ रहा है स्टेटर, लेकिन बैरिंग कवर में ही फिक्स है, इसलिए वायर को हमें अंदर करना पड़ेगा राड के। उसके लिए एक एक वायर को हम इस राड के अंदर करते हैं। इसके लिए हमें एक हाथ से वायर को ऊपर खींचना है और दूसरे हाथ से फिंगर के माध्यम से वायर को अंदर कर लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं करने से अगर जो हम ऊपर से ज़बरदस्ती खींचेंगे तो वायर राड में लग करके कट जाएगा, फिर उसके लिए हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ को आराम से कर लेना है। देखिए दोस्तों, तीनों वायर बाहर आ गए हैं और ये स्टेटर भी बाहर निकल आया है। और स्टेटर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम या कोई भी कॉयल जली हुई नहीं दिख रही है, इसके सभी कॉयल सही दिख रहे हैं। ये जो बीच का वायर है, यानी कि येलो वायर है, ये यहाँ पर ब्लैक हुआ है, यानी कि यहाँ पर स्टार्टिंग कॉयल का जो वायर सोल्ड किया गया है, हो सकता है वहाँ से वो हीट होकर के डिस्कनेक्ट हो गया हो, जल गया हो। तो देख लेते हैं, अगर जो आसानी से अलग हो जा रहा है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम वहीं हो। और ये देखिए दोस्तों, अलग हो गया ये वायर है इसका, यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। ये येलो वायर है और ये है स्टार्टिंग कॉइल की दूसरी एंड की वायर, जो कि डिस्कनेक्ट हो चुकी है। इस वायर को हमें यहाँ पर सोल्ड करना है, लेकिन इसके लिए वायर छोटी है, तो वायर खींचने से तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि बाइंडिंग करते समय कोई भी वायर ढीला नहीं रहता है। तो इसके लिए हमें इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर लगा लेंगे। तो उसके लिए सोल्डिंग आयरन लगा लेना है, पहले गर्म कर लगा देते हैं, गर्म हो जाए फिर हम वायर को सोल्ड करके दिखाते हैं। और वापस से वायर में उसी प्रकार से स्लीव लगा देना है, जिससे कि वो किसी भी कॉयल में या किसी और वायर में शॉर्ट ना हो। तो ये देखिए वायर है और इसको उसमें सोल्ड करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम इसमें वायर का और टुकड़ा लेकर के सोल्ड करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा सोल्डर आयरन गर्म हो चुका है और हम इसको सोल्ड कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, सोल्ड हो गया है। अब एक बार फिर से हम इसमें पावर सप्लाई दे करके देखते हैं कि हमारी स्टार्टिंग वायर या येलो वायर में बल्ब सीरीज में बता रहा है या नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम और तो नहीं है, एक बार चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये येलो वायर में लगाने पर बल्ब हमारा जल रहा है, इसका मतलब ये कॉयल हमारी सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उसी जगह थी जिस चीज़ को हमने अभी सॉल्व किया है। अब स्लीव को ऊपर चढ़ा, फिर से वापस ऊपर कवर कर देना है। कवर करने के बाद में हम फिर से फैन को
कवर में फिक्स करके और इसे फिर से चला करके देखते हैं अब फैन हमारा चल रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये इसी प्रकार से फिर से फिक्स कर लेना है और फिक्स करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि जो हमने मार्क लगाया था वो मार्क आपस में मिल रहा है या नहीं। उसको आपस उसी जगह मिला करके फिर इसके बाद में इसके सारे स्क्रू को कसना है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर जो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो इसके तीनों स्क्रू को कस लिए हैं और इसको और अच्छे से स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छे से कस लेना है। कसने के बाद में हम फिर पावर सप्लाई लगा करके चला करके इसे देखते हैं। अब दोस्तों फैन कंप्लीट हो गया है। अब इसके कंडेंसर को कनेक्ट करते हैं। अब हम इसमें पावर सप्लाई लगा करके देख लेते हैं कि फैन चल रहा है या नहीं। तो जैसा कि उसके रेड वायर में कॉमन वायर है तो उसमें एक वायर को जोड़ देना है और जो हमारा रनिंग कॉइल है ब्रेक वायर इसमें दूसरे वायर को कनेक्ट करके फिर इसको स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से होल्ड कर लेते हैं। फिर चला पावर सप्लाई दे करके देखते हैं। इस प्रकार से पकड़ना है कि इसके तीनों वायर आपस में शॉर्ट ना होने पाए और फिर इसको हम सीरीज में लगा करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सीरीज में लगाते ही ये फैन चलने लग गया है। अब एक बार हम इसको बंद करके वापस से फिर से देखते हैं चला करके कि ये चल रहा है या नहीं। इसको डायरेक्ट भी करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, फैन स्पीड से चलने लग गया है। अब एक बार हम इसको बंद करके फिर से वापस चला करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सीरीज में भी फैन चलने लग रहा है। इसका मतलब ये फैन हमारा कंप्लीट रूप से सही हो गया है। तो थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।